मोहल्ले की हर गली ढूंढ ली ससुरी, पता नहीं कहां मर गओ आम चोर। अब फेंको इस बकफास डिओड्रेंट को। ये? काय भैया, ये परफ्यूम की बारिश कहां से हो रही है? खुशबू तो अच्छी आ रही है। आए आए, टंडो टंडो है। बहुत बढ़िया, फ्री कुछ चंदन घिस मेरे नंदन। आ बहुत बढ़िया, ऐसे ही मिले तो मजा ही आ जाए। अरे दादा, काय महाराज, ओ महाराज, का झांक चल रही है भैया, का झांक चल रही है। कुछ नहीं, ऐसे ही बस, मैं वो तिवारी जी से मिलने आया था। आए हाय हाय, बड़ो प्यार हो मर रहा हूँ ना तिवारी जी में। तो मतलब तिवारी जी के घर की एंट्री अब वहां से यहाँ से हो गई है? नहीं, एक्चुअली वो मेन गेट बंद था तो मैं यहाँ से घुस गया। क्या प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जो बताओ पीछे का छुपा रहे। अरे दादा कुछ नहीं, निकालो ऐसे हुए मिश्रा जी, हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है, हमें आपकी अपनी, हमें सब पतो है। क्या पतो है? मतलब क्या पता है आपको? यही पतो है कि आजकल भाभी जी को बहुत आम खिलाए जा रहे, वो भी लंगड़े आम। ये आप दोनों हमारे किचन में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे भैया तिवारी, आपका आम चोर पकड़ोगा। और ये है चोर सामने, मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। हमें पता था कि ऐसी घटिया हरकत सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। अरे आपके माथे पर नल्ले का दाग तो पहले से ही था, अब चोर का दाग भी लग गया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे चुप रहिए आप। भाभी जी, आप कुछ भी बोलने के काबिल नहीं है। दरोगा जी, अरेस्ट कीजिए, ने अरेस्ट कीजिए। भाभी जी, कुछ तो बोलिए प्लीज। हम कहा बोले भरभूति जी, हम आपको कितना हॉर्नियस समझ रहे थे। भाभी जी, इट्स नॉट हॉर्नियस, इट्स ऑनेस्ट। सही पकड़े हैं, लेकिन आप काहे किए ऐसा, काहे किए? भाभी जी, वो मैं एक्चुअली एक मिनट सेठ जी।